लो आ गए हम दोस्तों। यह है वॉशिंग मशीन और इसका ड्रेनेज हो रहा है लीक। आप देख सकते हैं सारे स्विच है बंद, ये प्लग भी निकला है और जैसे ही इसमें पानी भरते मैं आपको दिखाऊंगा यहां से ये लीक होने लगता है। तो दोस्तों चलिए मैं पानी भरकर आपको दिखा रहा हूं और ये लीक होगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसमें भर रहा हूँ पानी, ये देखिए और आप देखिएगा ये पानी भरते के साथ ये लीक होने लगेगा। तो अभी आप देखिए पानी थोड़ा सा जाएगा इसमें और ऑटोमेटिक ये लीक होने लगेगा। देखिए दोस्तों ये पानी निकल रहा है, ऑटोमेटिक बह रहा है। इसमें जो पानी मैंने डाल रखा था ये सारा पानी बह गया है। धीरे 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 ये पानी पूरा बह रहा है और ये अब ये खाली होने लगा। ये देखिए आप, इसमें पानी था जो ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी ये बह रहा है इसमें अपने आप। ये यहाँ का ये पीछे वाला जो ड्रेनेज पाइप होता है इस पाइप से ये बह रहा है। ये पीछे का जो ये ड्रेनेज पाइप होता है वॉशिंग मशीन का, उस पाइप से ये लगातार पानी बह रहा है। तो दोस्तों जबकि कोई भी स्विच इसके ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं ये प्लग भी निकला पड़ा है। इस समस्या को कैसे सुधारना है हम करते हैं आगे। दोस्तों इसके लिए इसमें ये जो 11 नट दिए हैं, स्क्रूज दिए हैं, ये खोल लेना है। यहाँ पर एक रबर लगी है दोस्तों, उस रबर में कुछ ना कुछ फंस गया होगा बस, तो रबर ऊंची हो जाती है और पानी जो अपन डालते हैं इस टैंक में उससे ये बाहर आ जाता। बस इतनी सी प्रॉब्लम दोस्तों, 11 आपको ये स्क्रूज खोलना है। तो ये मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया, स्टार स्क्रू ड्राइवर लगता है लेकिन मेरे पास स्टार नहीं है, इससे भी कोशिश करता हूँ ये खुल जाएगा। तो ये मैं खोल लेता हूँ ये 11 की 11। तो दोस्तों इस तरीके से 3 खोल लिए, 4, 5, 6 ये छोटा वाला जो आपका टेस्टर होता है उससे खुल जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्टार स्क्रू ड्राइवर नहीं है। तो स्टार स्क्रू ड्राइवर नहीं होने से ये देखिए इससे आसानी से खोल रहे बहुत इजीली। तो ये सारे के सारे अपन को स्क्रूज ये खोल लेना, ये देखिए ये बहुत इजीली खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये खुलते जा रहे हैं, खोल दे रहा है 11 नंबर का स्क्रू, ये भी खुल गया देखिए बहुत इजीली। और इसको कर लेना है अपन को अलग बहुत इजीली तरीके से, ये अलग हो जाएगा। ये आप देखिए ये, तो ये अलग करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये सब दिख रहा होगा, आप देखिएगा बस यहां पे ही एक रबर लगी है और उस रबर से अपन को हटाना है कचरा। दोस्तों आपको इसे क्या करना है, सबसे पहले इसे ऐसा खोल लेना है, ये इसी को ही आपको साफ करना है। जी हाँ दोस्तों इस तरीके से ये खुल जाएगा और ये देखिएगा ये जो रबर है, ये जो मैं बता रहा था बस यहाँ पे ही कुछ जम गया होगा, तो ये रबर जो है यहाँ पर चौक नहीं हो पाती है, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा दोस्तों। बस इसी को आपको साफ करना है। ये ड्रेन पाइप है, आप इसको भी निकाल लें ये ढीला करके और ये खोलें इस तरीके से दोस्तों। इसको आपको एसिड डाल के या कोई भी आपके हार्पिक वगैरह से इसे साफ कर लें। जी हाँ दोस्तों हार्पिक से साफ कर सकते हैं इसको। तो ये जो रबर होती है ये साफ रहना चाहिए, ये अच्छे से बैठेगी तो जो पानी यहाँ का आता है इसी टैंक में अपन भर रहे थे वो यहाँ के जरिए यहाँ से लीक होते रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको धो लेना है, इसको निकाल लें आप। ये मैंने हटा दिया, ये पिन इसमें ऐसी लगी रहती है इस तरीके से आपको ये दिख रहा, तो इसको यहाँ से ये ऐसा निकालें, इसको यहाँ पर सावधानी से टांग दें और इसको भी बहुत अच्छे से साफ कर लें पानी से। यहाँ पानी डाल के ये इसको साफ कर लें, यहाँ पे कुछ फंसा हो कचरा वगैरह इसको धो लें खूब अच्छे से। तो इस रबर को यहाँ पर ऐसा कर देते हैं फिट। तो दोस्तों इसको साफ करके इसको कस देना है बहुत अच्छी तरीके से। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ के स्विच सब बंद रखना, नहीं तो अगर ये बास वाला स्विच इसका जो ड्रेन आप करते वो खुला हो तो ये बार बार पानी फेंकेगा। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से ये मैंने कस दिया है साफ करने के बाद, और अब मैं आपको पानी भरकर बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो चलिए मैं पानी भरता हूँ इसमें, देखिए
तो देखिए दोस्तों, ये मैं पानी भर रहा हूँ इसमें, आप ये देखिए, और उसके बाद ये बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, ये पानी इसमें मैं डाल रहा हूँ। तो बस इस तरीके से आप सुधार सकती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें ये पानी मैंने भरा हुआ है। अब ये बटन से मैं निकालता हूँ इस पानी को, देखिए बास वाली चालू करेंगे तो ये पानी बहने लगेगा। ये तो ये देखिए दोस्तों, ये जब बटन अपन बास की चालू करते हैं तो ये ऊपर खिंच जाता है, ये पानी बहता, और ये बंद करने पर ये बंद हो जाता। अब पानी इसका नहीं बहेगा। असेंबली को ज्यों की तो आपको कस देना है, जो कुछ भी है सब कस देना है। ये देखिए, मैं इसको पाइप को लगा देता और इस तरीके से जो 11 नट आपने खोले वो 11 की 11 नट आपको कस देना है दोस्तों, जितने भी आपकी मशीन में है। तो वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को बेल आइकॉन के साथ करना सब्सक्राइब। दोस्तों मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसको कस देना है दोस्तों बहुत अच्छे से, अच्छी तरीके से।